हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाघ एकेडमी। कैसा है सब लोग? आशा करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और कई दिनों से जिस चीज की डिमांड कंटिन्यूसली आ रही थी, मैं एक्चुअली ये वीडियो रिकॉर्ड करके डालने वाला था, बट कुछ ऐसा हुआ कि मुझे लगा नहीं यार, इसको तो लाइव में ही करते हैं ताकि सभी बच्चों को इसका आइडिया मिल जाए, सभी बच्चे इसकी मदद से अच्छे से अपनी तैयारी कर ले। हेलो एवरीवन, सभी के नाम लेना अभी पॉसिबल नहीं है, बट गुड इवनिंग एवरीवन। जय स्वामीनारायण, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल पवन वाघ एकेडमी पर। और बहुत ही तरीके से जो चीजें मैं आज आपको बता रहा हूं उनके ऊपर हमको डिस्कस करना है। सभी पॉइंट्स आपके लिए हैं, सभी पॉइंट्स आपको तबीयत खुश करने वाले हैं, तो बहुत आपको मजा आने वाला है। शुरू से आखिरी तक आपको बने रहना है, जिसके अंदर की मैं सभी चीजें बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि डर हो रहा है या क्या हो रहा है, क्या क्या चीजें हो रही हैं, कौन कौन सी चीजें हो रही हैं, सारी की सारी चीजों को हम बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया तरीके से देख लेंगे कि कहां पर हमको क्या करना है। ठीक है, तो बिल्कुल फटाफट अपने सभी दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कर लो ताकि सभी बच्चे आ जाए। और फिर हम शुरू करें हमारा आज का टॉपिक कि HSC SSC फाइनल प्लानिंग। इसको फाइनल क्यों नाम दिया है? क्या इसके बाद में और प्लानिंग नहीं होगी? इसके बाद में प्लानिंग होगी, लेकिन वो प्लानिंग होगी हमारे पेपर वाइज चलेगा, वो एक प्लानिंग होगी। उसके बाद में प्री बोर्ड के भी काम में आएगी, ये प्रीलिम के भी काम में आएगी। जब अभी आपका प्रीलिम या प्री बोर्ड होगा उस समय भी ये सब चीजें काम में आने वाली हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझ लो। गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, और वन शॉट जो है वो कब आएंगे 10th के, उसके बारे में भी बात करूंगा, लेकिन वो आखिरी में। ठीक है, आखिरी बताऊंगा वो 10th के वन शॉट कब आएंगे। 12th का तो अभी हमारा सिलेबस थोड़ा स्लो चल रहा है, पर हाँ हम 26 जनवरी तक इसको खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो यहां सबसे पहली बात, सबसे पहला पॉइंट क्या है आपके लिए? तो पहला पॉइंट है हमारा, दैट इज कि सर इफ आई स्टार्ट नाउ कैन आई गेट -%? यहां बच्चे सवाल पूछते हैं, कुछ पूछते हैं कि सर 85% आ जाएगा क्या, कुछ पूछते हैं सर 90% आ जाएगा क्या, कुछ पूछते हैं 95% आ जाएगा क्या। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या है, स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टार्ट कर लोगे तो यहां तक पहुंच सकते हो। सिर्फ डे ड्रीमिंग से कुछ नहीं होता, हार्डवर्क ही करना पड़ेगा विद द स्मार्ट वे, है ना। हार्डवर्क विद द स्मार्ट वे। अगर आप हार्डवर्क करते हो, स्मार्ट तरीके से करते हो, तो ये टारगेट कुछ नहीं है, आप यहां तक आराम से पहुंच सकते हो। लेकिन चक्कर ऐसा हो गया है कि हम सभी, मतलब आप, मेरे जैसे टीचर्स, आपके पेरेंट्स, हम सभी लोग क्या होता है, मार्क्स ओरिएंटेड हो गए। हमारा मार्क्स को ही देखने का नजरिया हो गया है। हम हर चीज को मार्क्स के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, आपकी सक्सेस को मार्क्स के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, जो कि गलत है। सक्सेस कभी भी मार्क्स में कैलकुलेट नहीं की जाती। 10th के और 12th के मार्क्स का बहुत ज्यादा तोप उपयोग नहीं होने वाला है, बट हाँ 10th के मार्क्स से 11th में आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, और 12th के मार्क्स आपको, अगर आप MHT CET देके इंजीनियरिंग या MHT या आप जो मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं वहां पर, ये सभी लाइन में आपको काम में आ जाएगा अगर 50-50 रूल लगता है। तो ये इतने पुरता ही इसका महत्व है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये जिंदगी और मौत का सवाल है और इसके लिए हम पागल हो रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान रखो, ये कौन है बेटा, मैं किसी को रिप्लाई नहीं करूंगा, ब्रोरेज दिस इज नॉट द फेयर, मैं जो बता रहा हूं चुपचाप देखो, नहीं तो आप ब्लॉक हो जाओगे। ठीक है, अभी यहां पर समझने वाली बात क्या है कि यहां पर आपको स्टार्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप स्टार्ट नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे। और दूसरी बात, मार्क्स पर फोकस मत करो, फोकस हमको करना है कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। वी नीड टू फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट्स। अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं तो मार्क्स हमको ऑटोमेटिकली मिलेंगे। मार्क्स मिलते हैं बेटा, एक हमारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, हमारा राइटिंग स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, हमको एक अच्छा राइटिंग स्किल डेवलप करना है। मैं वो उसके लिए भी एक वीडियो दूंगा आपको, बहुत सारी चीजें मैं देने वाला हूं आपको, तो आपको हर हफ्ते में कुछ ना कुछ मिलते रहेगा। सिर्फ आप देखते रहिए, मैं आपके आखिरी में सवाल लूंगा, आखिरी के 10 मिनट में आपके सवाल लेने वाला हूं, तो जरा शांति से सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं। तो मार्क्स आपको जो भी आप चाहते हो वहां तक आप पहुंच सकते हो, लेकिन मुद्दा क्या है, मुद्दा है स्टार्ट, है ना, यू नीड टू स्टार्ट इट। अभी आपको स्टार्टिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप स्टार्ट ही नहीं करोगे तो आप डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचोगे, आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचोगे। तो स्टार्ट करना है विद अ पॉजिटिव माइंडसेट। ये भूल जाना है कि मैंने पीछे क्या किया, मेरे से क्या हो गया, मैंने तो टाइम वेस्ट कर दिया, सब भूल जाओ। अगर तुम बार बार ये सोचोगे मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, अगर आप बार बार पीछे देखोगे ना तो आगे आप कहीं ना कहीं ठोकर खा के गिर जाओगे। तो बार बार पीछे देखना नहीं होता, लाइफ में भी पीछे नहीं देखना होता है, जो हो गया वो हो गया,
जो अभी सामने है मुझे सामने देखना है और मुझे सामने आगे बढ़ना है, ये फील रखो और यही फील रख के बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, उसके अलावा कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? आगे। अब आगे हम बढ़ते हैं, पीछे जो हुआ सो हुआ, अब तक मैंने गलत किया था, मैं गलत था, ठीक है, बट स्टार्ट करते समय वो पॉजिटिविटी अंदर चाहिए, है ना। आप देखो ना, जब हीरो कोई किसी विलन को मारता है तो कितना कॉन्फिडेंट होता है, कितना कॉन्फिडेंट होता है, तो वो कॉन्फिडेंस आपकी पढ़ाई में दिखना चाहिए। हाँ, आप बोलो मत बहुत ज्यादा। देखो क्या होता है, कुछ लोग बहुत बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें नहीं करना है हमको, हमको अपना मुंह बंद रखना है और हमको फोकस करना है हमारी स्टडी पे। कोई कुछ भी बोले, हम अच्छे से पढ़े तो हमारा मार्क्स अच्छा आएगा। तो अभी यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद रिमेनिंग डेज फॉर टेंथ एंड ट्वेल्थ, टेंथ ट्वेल्थ के लिए कितने डे बचे हैं, तो अगर ट्वेल्थ की बात करते हैं तो ट्वेल्थ के लिए दिसंबर में 12 दिन। मैं 12 दिन क्यों ले रहा हूं, आज हमारी है 12 तारीख लेकिन 18 दिन होना चाहिए, तो मैं पर 18 दिन नहीं ले रहा हूं, मैं 12 दिन ले रहा हूं। हो सकता है इस वीडियो को 2 दिन बाद भी कोई देखे, आपके लिए प्लस पॉइंट यह है कि आप आज देख रहे हो तो आपके लिए यहां पर 12 की जगह 18 दिन रहेंगे, 6 दिन ज्यादा रहेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, यहां पर अगला पॉइंट यह है कि यहां पर जनवरी में 31 डेज है और फरवरी में आपके पास में 18 दिन है। मैंने 18 इसलिए लिए हैं कि 20 22 23 24 के आसपास आपके एग्जाम शुरू हो जाएगी, तो यहां 18 दिन हो, तो अगर देखा जाए तो 61 डेज ये टोटल हो रहे हैं। ये कितने दिन हो रहे हैं, टोटल डेज कितने हो रहे हैं, 61। आप भले इसको 61 मत लो, आप इसको 60 भी लोगे तो भी चलेगा, आपको 60 डेज आपके पास में है कि इन 60 दिनों में आपको 12th के बच्चों को कमाल करना है, इन 60 दिनों में आपको पूरी जान लगा देनी है। ये 60 दिन और एग्जाम का ऑलमोस्ट 20 से 30 दिन जितने दिन एग्जाम होती है, तो आने वाले 90 दिन आपके आने वाले टाइम को सुधार सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, ठीक है। तो फोकस हमको आगे आने वाले टाइम पर करना है, पूरे दिल से लगना है। अगर अभी भी आपने स्टार्ट नहीं किया तो यहां पर पवन सर आपकी उतनी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखो बेटा, एट द एंड ऑफ द डे फाइट तो आपकी है, लड़ाई आपकी है, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, साथ खड़ा रहूंगा। देखो मैच में क्या होता है, चाहे क्रिकेट का मैच हो, चाहे फुटबॉल का मैच हो, चाहे हॉकी का मैच हो, हर मैच में जो कोच होता है वो प्लेयर्स के साथ ही होता है, लेकिन वो ग्राउंड के बाहर होता है, वो ग्राउंड में नहीं होता। ग्राउंड में तो परफॉर्मेंस आप ही को देना है, तो टाइम आपके पास में है, अभी मौका है, स्टार्ट बिल्कुल कर दो बिना रुके बिना थके, है ना। इतना टाइम, और टेंथ के बच्चों के लिए कितना टाइम है, तो दिसंबर के भी मैं 12 दिन ही ले रहा हूं इनके लिए, उसके बाद में जनवरी के 31 डेज, फरवरी के 28 डेज। तो ऐसा अगर हम देखते हैं तो ये 40 और ये 71 डेज हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, हालांकि 71 डेज होना चाहिए, मैंने 70 डेज लिखे, क्यों लिखे 70 डेज, कि हो सकता है यार कि 28 में भी हम 27 दिन ही ले रहे हैं। हालांकि ऐसा देखा जाए तो ये 71 नहीं है तो 77 डेज होंगे, क्योंकि अभी के 18 और उस तरह से देखो तो ज्यादा टाइम होगा, 18-19 मतलब ये 79 डेज होंगे, लेकिन मैंने 70 ही दिन काउंट किए, कि अभी भी कुछ लोग हैं जो बाद में मुझे देखेंगे तो बाद में समझेंगे तो वहां पर उनको प्रॉब्लम आएगा। वैसे यहां पर जो 60 दिन मैं लिख रहा हूं, एक्चुअली 60 नहीं है, 70 दिन हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने कम टाइम लिखा है। अब कम टाइम भी लिखा तो इसलिए लिखा कि ये कम टाइम देख के भी शुरू करो, क्यों, अब देखो 8 दिन यहां 8 दिन यहां कम है। अब ये क्यों कम है ये भी बता देता हूं, कुछ के प्रैक्टिकल्स होंगे, कुछ के ओरल होंगे, उसमें बहुत सारा टाइम जाता है और वो इतना तकलीफ देता है ना कि आप डिस्टर्ब रहोगे, आप चाहोगे मैं पढ़ूं, आप चाह के भी पढ़ नहीं पाओगे बेटा, चाह के भी पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि कंप्लीशन करना होगा, ओरल एग्जाम होती है, आपको पर्टिकुलरली एक दिन किसी का 2 दिन ऐसा वेस्ट होता है, ओरल एग्जाम चलेगी तो वो आपके 1-2 दिन जाएंगे, तो टाइम आपके पास में बहुत कम है, समय समय मिनट मिनट को यूज करना है। लेकिन एक और बात, इसके पीछे प्रेशर नहीं लेना, ये वीडियो देखने के बाद में टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ पढ़ाई करना है। टेंशन लोगे तो पढ़ाई नहीं होगी और पढ़ाई करोगे तो टेंशन नहीं आएगा। आप जैसे जैसे एक एक चैप्टर के आगे बढ़ते चले जाओगे ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली अंदर से बूस्ट होगा, ऑटोमेटिकली अंदर से बूस्ट होगा, तो उसको आप बढ़ाओ, कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ। इतने ही दिन हमारे पास है, अब इतने दिन का हम उपयोग कैसे करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, नंबर एक, सबसे पहले बात, कंप्लीशन ऑफ सब्जेक्ट वाइज, हम कब करें कंप्लीशन, कब करें कंप्लीशन ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ क्लास 12th, क्लास 12th के बच्चे किस तरह से कब तक की वो टॉपिक्स को चैप्टर्स को कब तक खत्म करें, कि उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए, मतलब कब तक उनको खत्म करना है कौन सा टॉपिक। तो यहां अगर मैं बताऊं आपको, तो सबसे पहले फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, आपको हर चैप्टर को 15 दिन, हर को 15 दिन देना। अब देखो मैं 15 दिन बोला है, किसी की आपकी हाफ ईयरली एग्जाम हुई है, आपका आधा सिलेबस ऑलरेडी हो गया है, कुछ का पूरा हो गया है, तो ये 15 दिन मैंने दिया। अब हो सकता है कि कुछ बच्चे आप में से क्या करें कि इसको 15 दिन में ना करें, कुछ बच्चे 12 दिन में, लाइक अगर आपको 15 दिन देना है, अगर आपको 15 दिन यहां देना है, 15 दिन यहां देना है, 15 दिन यहां देना है, लेकिन कुछ बच्चे तो ऐसे भी होंगे ना कि जो यहां पर 20 दिन दे देंगे,
यहां पर 15 दिन दे देंगे और यहां पर 10 दिन दे देंगे, हो सकता है टाइमिंग इनका जो है यहां पर से वो अपना टाइमिंग आप एडजस्ट कर लो, मतलब कि आप देख लो आपको किसको ज्यादा टाइम देना है किसको कम टाइम देना है। लेकिन हाँ, टाइम आपको 15 दिन मैंने इसलिए दिया, 45 दिन जा रहे हैं, 60 में से 45 दिन जा रहे हैं, ये 45 दिन के अंदर ही आपको आपके हिसाब से, लाइक अगर आपने अभी फिजिक्स पढ़ रहे हो और एक ही टॉपिक मतलब एक ही सब्जेक्ट के ऊपर काम करो, आप एक ही सब्जेक्ट पे काम करो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, आप एक साथ तीन तीन सब्जेक्ट मत पढ़ो। लाइक सुबह से अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो पूरा दिन फिजिक्स होगा और बीच में मैथ्स होगा, आपके स्कूल का कॉलेज का ट्यूशन का होमवर्क करते रहो, लेकिन पूरा सेल्फ स्टडी करते समय पर्टिकुलरली एक ही सब्जेक्ट के पीछे पढ़ना है। अगर आप थोड़ा थोड़ा करोगे ना तो वो वहां पर प्रॉब्लम्स आती है, आप इस कॉन्सेप्ट से उसमें घुस जाओगे, उसमें तकलीफ आएगी। तो कभी भी शुरुआत, लाइक अगर आपने बोला है 15 दिन में मैं खत्म करता हूं, तो टारगेट ये होना चाहिए कि मैं 10 ही दिन में उसको खत्म कर दूंगा, मैं 10 ही दिन में खत्म करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने आधे से ज्यादा पढ़ के रखा है। मैं जानता हूं कि 12th के बच्चों का सिलेबस कंपैरेटिवली बहुत तगड़ा है, हमारा सिलेबस अगर फिजिक्स देखें, अगर हम मैथ्स देखें, अगर हम केमिस्ट्री देखें, तो ये NCERT से भी तगड़ा सिलेबस है हमारा, लेकिन बायो का उतना अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप देखते हो मैथ्स देखते हो, आप फिजिक्स देखते हो, आप केमिस्ट्री देखते हो, हमारी किताबें और NCERT की किताबों को कंपेयर करोगे तो हमारी किताबें ज्यादा तगड़ी हैं, ज्यादा क्वेश्चंस हैं। आप देखो मैथ्स की किताब में समझ में आता है डिफरेंशिएशन कितना बड़ा दिया है, और आप उधर जाके देखो थोड़ा चैप्टर इतने क्वेश्चंस नहीं है जितने हम कर रहे हैं। तो हम CBSE के बच्चों से 12th में ज्यादा अच्छी मेहनत कर रहे हैं, इसका फायदा हमको MST CET में भी मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो यहां आपको टाइमिंग जो है ये आपको डेट वाइज लिखना है कि मुझे 15 दिन में खत्म करना है तो मैं कैसे करूंगा, ये अभी आज ही आप बैठ के डिसाइड कर लेना, रात में बैठ के पक्का डिसाइड कर लेना, और अगर हो जाता है तो सुबह आके कमेंट बॉक्स में बताना कि सर मैंने कर लिया ये, ठीक है। उसके बाद बात आती है मैथ्स की, तो मैथ्स आपको हर दिन करना है 2 से 3 घंटे, आप दोपहर में कर सकते हो, आप शाम को रिवीजन कर ही रहे हो मेरे साथ में, 2 से 3 घंटे आपको करना है। वो टाइम आप कैसे निकालोगे वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है ना, तो घबराना नहीं है, आराम से सारा होगा, ठीक। 10th के बच्चों पर भी आऊंगा, घबराओ मत। उसके बाद में PCMB, फोकस ऑन द PYQs एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिलेबस पूरा तो करो लेकिन इंपॉर्टेंट है कि PYQs पिछले 2-3 सालों के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं वो क्या क्वेश्चन आए हैं, कैसे क्वेश्चन आए हैं, टॉपिक वाइज कैसे क्वेश्चन आए हैं, उनके ऊपर काम करो। तो इसके लिए और साथ ही में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर भी देख लो, अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कहां मिलेगा, यूट्यूब पे कुछ लोगों ने सॉल्व भी करके दिए, तो वहां आप जाके उसको देख सकते हो, उन क्वेश्चन को देखो, उनके ऊपर काम शुरू करो कि नहीं यार ये सही दिया है, ये क्वेश्चन ये चैप्टर से आया, ये एक्सरसाइज से आया, उसको टिक लगा के रखो कि ये पहले आया है, ये थ्योरम्स आए हैं उनको अपने को हाईलाइट करके रखना है। हालांकि मैथ्स की चीजें मैं आपको और बताने वाला हूं, आप घबराओ मत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यूज टारगेट पेपर सेट और उत्तम पेपर सेट, मैंने उत्तम का भी मेरे पास में पेपर सेट है और टारगेट का भी है, दोनों पेपर बहुत अच्छे हैं। टारगेट का तो मैं हर बार ही बच्चों को बोलता हूं कि टारगेट पब्लिकेशन यूज करो, लेकिन इस बार मैं उत्तम का भी खरीद के लाया हूं, तो दोनों उत्तम पब्लिकेशन देखो या टारगेट का देखो, दोनों के पेपर सेट अच्छे हैं। आपको हर सब्जेक्ट के एटलीस्ट 3 से 4 पेपर सॉल्व करके देखने ही हैं, उतने टेस्ट आपके होना ही चाहिए, उतने पेपर आपकी प्रैक्टिस पेपर होना ही चाहिए, स्कूल के प्री बोर्ड के अलावा प्रीलिम के अलावा ये आपको करना ही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखो इन पेपर्स को, अच्छा ऐसा करो अगर आप एक मतलब इसमें मैं हमेशा पिछली बार भी मैंने शायद कहा था, लाइक दो दोस्त हैं राजू और जो भी दो दोस्त हैं ए और बी दो फ्रेंड्स हैं, तो ए ने टारगेट का खरीद लो, बी ने जो है वो उत्तम का खरीद लो, तो आपको दोनों टाइप के पेपर देखने को मिल जाएंगे, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, किस एक्सरसाइज से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस चैप्टर से 1 मार्क में क्या क्या पूछा जा रहा है, 2 मार्क में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यहां आपको आइडिया आ जाएगा। और ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ये 10th के बच्चों के लिए भी वैसी ही आएगी, कोई बहुत अलग चीज नहीं है इसमें, लेकिन हाँ हर चीज मैं बताने वाला हूं। इक्विस अपेक्षित ऑल्सो वर्क, अभी कैसा है, अगर मैथ्स का पूरा सिलेबस हो जाता है, फिजिक्स का हो जाता है, केमिस्ट्री का हो जाता है, तो एक बार 21 अपेक्षित अगर उठा के देख लिया या कोई भी क्वेश्चन में उठा के देख ली, भाई देखो अगर आपका सिलेबस हो गया है तो वो अपेक्षित खत्म करना कब होगा, उसको हाथ कब लगाओगे, जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। अगर आपका सिलेबस खत्म हो गया तो इसको आप 2 से 3 दिन में खत्म कर दोगे, अगर आपका सिलेबस पूरा हो गया लाइक फिजिक्स पूरा हो गया तो फिजिक्स की जो 21 अपेक्षित है वो 2 से 3 दिन में खत्म कर दोगे आप। मैथ्स का भी वैसे ही, अगर सिलेबस हो गया तो 2 से 3 दिन में उसको खत्म कर लोगे, लेकिन एग्जाम के पहले एक बार ये जो 21 अपेक्षित है ये आपको एग्जाम के पहले कम से कम 2 बार होना चाहिए, एग्जाम के दिन, एग्जाम के पेपर के जाने के पहले भी आपको इस पे ऊपर नजर मारनी है, ताकि आपको आइडिया आ जाएगा कि इसमें से क्या क्या, और जनरली होता है इन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, है ना, ये उत्तम हो या टारगेट हो, इन्हीं में से क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये आपको बहुत मदद करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लैंग्वेजेस का क्या करें सर, तो बेटा लैंग्वेजेस देखो ऐसी बात है, इंग्लिश में ग्रामर बेस्ड बहुत ज्यादा होता है, और बाकी तो आप लोग इसके लिए खुद ही टाइम डिसाइड करो
3 से 4 दिन 5 दिन के अंदर इसको खत्म कर सकते हो, क्योंकि ये जनरली बहुत ज्यादा टाइम लेते नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते हैं, ये आप अपने इससे कर सकते हो। मेन जो सब्जेक्ट्स हैं, कभी भी क्या होता है, बड़े शेरों को मारा जाता है, छोटे सैनिक अपने आप खत्म हो जाते हैं। बड़े राजा को मार दोगे ना तो सेना जीत गया। अगर राजा आपके कब्जे में आ गया, आपने राजा को मार दिया या राजा को अपने कब्जे में कर लिया, मतलब आप जीत गए, फिर वो सैनिक भी आपका हो जाता है। तो छोटे ये जो सब्जेक्ट्स हैं, लैंग्वेज, ये मैं बोल नहीं रहा इंपॉर्टेंट नहीं, ऐसा नहीं, इंपॉर्टेंट ये भी है, यहाँ भी पूरे मार्क्स मिलते हैं, लेकिन इनको आप अगर आधा आधा घंटा भी देते हो ना, तो मुझे लगता है 10 दिन 15 दिन के अंदर आप आराम से इनको कर सकते हो। आधे से 1 घंटा दिया तो वो आपके हिसाब से प्लानिंग करना है ना। आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं 10th की बात, है ना। 10th में क्या करना है, तो 10th में साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश को आपको 15-15 दिन देना है। साइंस में बोलता हूं कि ऑलमोस्ट बच्चों का हो गया है, मुझे लगता है 10 दिन के अंदर अगर ईमानदारी से 10 डेज पढ़ाई करेंगे तो हो जाएगा। सोशल साइंस को 15 दिन बहुत हो गए, इंग्लिश को भी 15 दिन बहुत हो गए, तो यहां से तुम्हारा टाइम बचना चाहिए। मतलब अगर 15-15 दिन दिए तो 45 डेज हो रहे हैं, ये 45 डेज हो रहे हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखो 45 दिन में से टाइम बचना चाहिए ताकि हमको आगे काम में आए, है ना। मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ सर समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो ये यहां ध्यान रखो, इसमें आपको करना क्या है, जैसे साइंस में क्या मुद्दा है, चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 में कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है भाई। चैप्टर 1 के अंदर अगर कैपलर्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटेशन लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, जी और जी में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे हर चैप्टर के अंदर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा नहीं है, 10th का सिलेबस बहुत लिमिटेड है, लेकिन आप लोग कहां पर गड़बड़ा रहे हो, आप कैलकुलेशन में गड़बड़ा रहे हो, न्यूमेरिकल्स में गड़बड़ा रहे हो, तो किताब में जो एग्जांपल्स दिए हैं उतने आपको करना ही करना है, सॉल्व भी अनसॉल्व भी, जो दिया है किताब में उतना आपको कर लेना है, उससे आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, यहां पर मैथमेटिक्स क्या करना है, आपको हर दिन करना है, हर दिन आपको 2 एक्सरसाइज करनी है। अभी तक मैं बोल रहा था कि 1 एक्सरसाइज करो, अब टाइम बदल गया, अब आपको 2 एक्सरसाइज हर दिन करनी है, 2 एक्सरसाइज हर दिन करनी है। पर क्या पूरी सॉल्व करनी है, देखो अगर आपने पहले सॉल्व कर ली है तो अभी आपको क्या करना है कि एक टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व करो, बाकी के क्वेश्चंस को समझ लो, जो डिफिकल्ट लग रहा है उसको सॉल्व करके देखो। अगर आपके पास में गाइड है, जनरली देखो किताब, मैं मैथ्स के अंदर बोलता हूं बच्चों को कि गाइड वाइड यूज मत करो, अगर आपके पास में गाइड है ना तो उसको बंद करके रखो, उसको मत खोलना। मैथ्स की तो गाइड लेना भी नहीं चाहिए, मैं बता रहा हूं, मैथ्स की गाइड लेना मतलब कि हम अपने दिमाग को क्या है, दिमाग को चलाना बंद करने के लिए ताला लगा देना है, क्योंकि हम क्या करते हैं जैसे समझा नहीं, हम उठा के किताब देखते हैं, गाइड देखते हैं, गाइड बिल्कुल यूज नहीं करना। अगर कहीं गलती से पूरा चैप्टर एक्सरसाइज सॉल्व करते बैठे आपको दूसरा क्वेश्चन नहीं आया, ओके आपने छोड़ दिया, आपने 5वां क्वेश्चन नहीं आया छोड़ दिया, आपने 7वां क्वेश्चन नहीं आया छोड़ दिया, फिर आपने क्या किया, अगर आपके पास में गाइड है आपको यूज करना है तो आप उठा के देखो 2-3-5 क्या है, समझ लो उसको, उसको बंद कर दो, फिर उसको सॉल्व करके देखो एक बार, अगले दिन भी सॉल्व करके देखो कि कैसा है, बराबर है या नहीं है, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये सब चीजें समझ में आ रही है ना। आगे बढ़ते हैं, उसमें और क्या देके रखा है कि फोकस ऑन द PYQs एंड प्रैक्टिस पेपर, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप 10th में हो, आप 12th में हो, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, आप जो भी पढ़ रहे हो, इसमें पिछले प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन आए हुए होते हैं वो हर साल हर जगह इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनके ऊपर हमको उसी तरह से फोकस करना है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। मैक्सिमम 50-60% पेपर उधर से ही बनता है, तो छोड़ना नहीं है उसको, बहुत अच्छे से कर लेना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम सब करते हैं और हम PYQs नहीं करते, पता चला 1-2 क्वेश्चन उसमें अलग टाइप के थे जो हमने किए नहीं थे और हम पीछे रह गए। चलिए बढ़ता हूं आगे में, उसे टारगेट पेपर यूज, टारगेट पेपर सेट, अगर आप टारगेट पेपर सेट यूज करते हो तो वो भी बहुत यहां पर आपके लिए यूजफुल रहने वाला है, मतलब टारगेट पेपर सेट आपको यूज करना ही करना है, ठीक है। ऑल्सो यूज पवनवाग एकेडमी एप्लीकेशन, हमारे एप्लीकेशन पे भी बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर है, हमारी वेबसाइट दिखने में इतनी सुंदर नहीं है, बट यहां से भी आप कर सकते हो उपयोग, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, मराठी हिंदी संस्कृत को आपको आपके हिसाब से टाइम देना है। ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं बेटा कि जहां आप आराम से अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, इनको आपको पढ़ना होता है, आप आराम से इसको कर सकते हो, तो इसको अपने हिसाब से प्रिपेयर करो, ठीक है। आगे मैं आता हूं, अब कॉमन टाइम टेबल दे रहा हूं, यहां पर मॉर्निंग में आपको 4 से 6 पढ़ना है ना, 2 से 3 घंटे की सुबह की आपकी पढ़ाई होनी ही चाहिए, है ना। अगर आप सुबह नहीं पढ़ रहे हो, कुछ बच्चे रात में पढ़ते हैं, तो अगर आप नाइट में पढ़ रहे हो तो नाइट में आप 2 से 3 घंटे पढ़ो, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि सुबह पढ़ो ज्यादा अच्छा है, हर बार बोलता हूं सुबह की पढ़ाई अच्छी होती है ना। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, तो सुबह जल्दी उठ के पढ़ोगे तो बहुत अच्छा है, ठीक है। आगे बताता हूं, मॉर्निंग में 8 से 10 में आपको रिविजन करना है ना। आपको देखो 1.5-2 घंटे का मैंने ब्रेक दिया, इसमें 2 घंटे के ब्रेक में बढ़िया मॉर्निंग वॉक के लिए जाओ, बढ़िया खेल के आओ, लगे तो 1 घंटा क्रिकेट खेल के आओ, ग्राउंड पे खेलते रहो, जितने फिजिकली फिट रहोगे उतना मेंटली भी फिट रहोगे,
ठीक है, और उसके बाद में 8 से 10 में बैठ के पन्ने पलटाओ। 8 से 10 में स्कूल का कॉलेज का होमवर्क नहीं करना है, 8 से 10 में बैठ के रिविजन कर लो, ठीक है। और अगर कॉलेज जाते हो तो ये काम बाद में शाम में करो, 3 से 4 में करो, 2 से 3 में करो, ठीक है ना। उसके बाद में आफ्टरनून में आपको रोज मैथ्स करना है। अगर आपकी स्कूल दोपहर की है तो ध्यान रखो कि आप जो है बेटा यहां पर दोपहर में 10 तारीख के बाद में आप फ्री हो जाओगे, आपको प्रिपरेशन लीव मिल जाएगी, तो यहां पर आप कर सकते हो, ठीक है ना। यहां दोपहर में आपको मैथ्स ही मैथ्स करना है हर दिन, ठीक है। यहां प्रिपरेशन हो जाएगी, दोपहर के टाइम में हमेशा मैथ्स करना है। दोपहर में क्या करना है, दोपहर में मैथ्स करना है। इवन दो दोस्त बैठ के पढ़ते हो ना, लाइक 12th के 2 बच्चे बैठे है ना, अजय और विजय, तो अजय एक क्वेश्चन कर रहा है, विजय एक क्वेश्चन कर रहा है, दूसरा वाला इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा है, यार मुझे ये नहीं आ रहा था, इसको कैसे करेंगे। दोस्तों से मिलते हो ना तभी ये बात करो कि कैसे प्रिपरेशन करो, इसको कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, यहां पर इवनिंग में भी रिविजन करना है, या फिर यूट्यूब पर, तो आप मेरे साथ पढ़ ही रहे हो, इवनिंग की पढ़ाई या तो रिविजन होगी या फिर यूट्यूब पर रहेगी। मैक्सिमम बच्चे यूट्यूब पर पसंद करते हैं पढ़ना, और उनका मैथ्स हो ही रहा है यहां पर मेरे साथ में, तो चिंता वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो रहे होंगे। मेन मुद्दा, सुबह की पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका सुबह का मॉर्निंग का फेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितने भी 5 AM क्लब बोलो, है ना, जितने बड़े बड़े लोग हैं दुनिया के, जितने सक्सेसफुल इंसान हैं, ये सब सुबह उठ के सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम करते हैं। तो सुबह उठ के सबसे पहले आपको वो सब्जेक्ट करना है जो तकलीफ देते हैं, वो फटाफट हो जाएंगे, है ना। ऐसा ही सुबह उठ के मैथ्स करूंगा मैं, दोपहर में साइंस पढ़ूंगा, नहीं होगा, फंस जाओगे। दोपहर में सुस्ती छाई रहती है यार, ऐसे अच्छे अच्छे सुस्ती हो जाते हैं, तो आप भी सुस्त हो जाओगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, यहां पर सर भूलने से बचने का कोई इलाज है क्या, कोई गोली वोली है क्या सर, कोई गोली टेबलेट दवाई कि मैं भूलना बंद कर दूं, इसका कोई इलाज नहीं है। एक्चुअली भूलने का कोई इलाज नहीं है। हम क्यों भूलते हैं, जब चीजों को हम लाइटली लेते तो भूलते हैं, अगर हम रटेंगे तो भूलेंगे, अगर हम समझेंगे तो नहीं भूलेंगे, ध्यान रखना। अगर रटोगे, है ना, अगर आप रटोगे तो आप भूलोगे, अगर आप समझोगे, अगर आप समझोगे तो नहीं भूलोगे, ध्यान रखना। तो समझना जरूरी है, आपको क्या करना है, आपको रटना नहीं है, आपको समझना है, कॉन्सेप्ट्स को समझना होता है, रटना नहीं होता है। हम क्या करते हैं, ये नहीं आ रहा है, इसको 10 बार लिख के देखता हूं, अरे यार ऐसा मत करो भाई, अपनी लैंग्वेज में लिखो, समझो उसको, ठीक है ना। अगर वैसा नहीं करोगे तो आपको ही प्रॉब्लम होगा, मेरी बात समझ में आ रही है सबको। तो समझना है, रटना नहीं है, रटोगे तो भूलोगे, भूलोगे तो डरोगे, ठीक है ना। अगर मतलब भूल रहे हो इसका मतलब आप रट रहे हो, रटना नहीं है, समझना है। और जो नहीं समझ में आता, देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है हम लोगों का, मैं भी तुम्हारे जैसा जब स्टूडेंट था ना, मैं भी डरता था टीचर से पूछने में, सिर्फ तुम ही नहीं करते, मैं भी डरता था, मेरे को भी डर लगता था टीचर से, है ना, मेरे को भी टीचर से डर लगता था कि अरे मैं पूछूंगा तो सर डांटेंगे, डांटने दो, मारेंगे, मारने दो, तुम्हारा काम है पूछना, उनका काम है बताना, नहीं बताते दूसरे टीचर से पूछो, किसी और से पूछो, ठीक है ना। बहुत जरूरी, PYQs क्या होते हैं, तो PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, पहले पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन को PYQs बोलते हैं। और उसके बाद एक और सवाल, सर डर का क्या करूं, मैं तो बहुत डरता हूं, मैं तो डर के मारे पढ़ नहीं पा रहा हूं, डर के मारे ही पढ़ाई बंद होती है, डर के आगे जीत है, डरोगे तो पीछे रह जाओगे। सोचो भला, सोचो उन बच्चों का, Super 30 के उन बच्चों का जो कहीं काम कर रहे थे, मजदूरी कर रहे थे, और वो जाके IIT क्रैक करते हैं, वो जाके IIT एग्जाम में पहुंचते हैं, कैसे पहुंचते हैं क्या बोलते थे आनंद सर, डर से क्या डरना, तो डर से क्या डरना, क्यों डरना। अगर तुमने ईमानदारी से मेहनत की है, अगर तुमने ईमानदारी से पढ़ाई की है, तो तुम किसी से डरने वाले नहीं हो, है ना, तुम किसी से डरने वाले नहीं हो। अगर तुमने ईमानदारी से पढ़ाई करी है तो डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अभी कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे, रेड रोज, रेड रेक्स, और कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आप ऐसा क्यों करते हो कि 10th को अलग से प्लानिंग दी, 12th को अलग से प्लानिंग नहीं देते हो, और 12th और 10th को एक साथ बताते हो। बेटा देखो, पहली बात तो मैच्योरिटी लाओ, आप 12th में पहुंच गए हो, 10th के बच्चे अगर बोले कि आप मिक्स क्यों दे रहे हो, प्लानिंग होती है सभी के लिए एक जैसी होती है, 10वीं वालों के लिए और 12th वालों के लिए, चैप्टर वाइज जो चीजें अलग थी मैंने बताई, जो चीजें कॉमन थी वो मैंने बताई। तो आप लोग अगर ऐसा सोचोगे ना कि हमको, हमारे साथ भेदभाव, मैं भेदभाव करने नहीं आया हूं, तुम्हारे दिमाग में ये भूत किसने डाला कि मैं 10th वालों से और 12th वालों से भेदभाव करता हूं, ऐसा मैं भेदभाव कैसे कर सकता हूं, मैं मुझे बताओ। ये इस तरह की जो सोच है ना, ये बहुत छोटी सोच है ना, बहुत छोटी सोच है। इसे छोटी सोच मत, ब्रॉड माइंड लाओ कि सर जो बता रहे हैं उससे समझना जरूरी है, मेरे को सेपरेट ही वीडियो चाहिए। ये बच्चों जैसी बातें हो गई। अब तुम 12th में आ गए हो, तुमको जहां से जैसा, जब बड़ा ज्ञान चारों तरफ बढ़ रहा है, जिधर से लेना है ले लो, ठीक है। 12th की स्टडी 0 है,
तो जीरो है तो भी पढ़ाई शुरू कर दो, है ना। सर मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस पीवाईक्यूज में से ही आते हैं क्या? हाँ बेटा, मतलब 40-60% जो है पीवाईक्यूज के क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं, है ना। आपने ब्रूरेस के साथ गलत किया सर, वो क्या गलत बोल रहा था बताए, क्या क्या झूठ बोला वो, ब्लॉक करने की धमकी दे रहे हो, ऐसा क्यों करते हो। जब मैं पढ़ा रहा होता हूं, जब मैं आता हूं और बीच में ही मैं बता रहा हूं कुछ, उसके पहले ही तुमने भरमार बॉम्ब जैसे तुम कमेंट्स डाल रहे हो बड़े बड़े कि ये सही नहीं है, आप भेदभाव कर रहे हो, फिर क्या बोलूंगा, मैंने किया क्या उसको ब्लॉक। तो बेटा बच्चों, मेरे से ऐसा मत सोचा करो, मैं तुम्हारे लिए ही काम कर रहा हूं, ये मजाक नहीं होता चीजें बना के आपको देना, ये सब आपके लिए है, है ना। तो यहां डरना, अभी मैं इसके ऊपर रुक रहा हूं, आपकी कमेंट्स के ऊपर रुक रहा हूं, तो आपको इस तरह से प्लानिंग करनी है, है ना, इस तरह से प्लानिंग करनी है। फिर कुछ बच्चे मुझे पूछ रहे थे सर वन शॉट का क्या है, तो टेंथ के बच्चों आप चिंता मत करो, आपके पास में बहुत सारा टाइम है, आपके वन शॉट लेने ही वाला हूं मैं, पहली बात। ट्वेल्थ के बच्चों को जो मैं पढ़ा रहा हूं अभी, थर्ड चैप्टर हम ऑलमोस्ट आज खत्म कर देंगे, तो बचे हैं हमारे तीन चैप्टर खत्म होना बड़ी बात है, मैथ्स टू के वो भी, ठीक है, अभी एक महीना भी नहीं हुआ हमने शुरू किया हो, लेकिन हाँ कल से कुछ ब्रेक रहेगा, लेकिन बीच में मेरे वीडियोज आते रहेंगे, मैं आपको प्लानिंग के ऊपर और क्या क्या वीडियोज लगते हैं, है ना, वो मैं आपको बिल्कुल देते रहूंगा, है ना। क्या लिखा है भाई साहब ने, ओके सर मेरा सब कुछ हो गया है, क्या बात है, बस मराठी में थोड़ी दिक्कत है, हो जाएगा, ठीक है ना, ओके चलो। तो ये सब चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा था, स्पेशली आपको डरना, देखो दो सबसे बड़ी परेशानी है, एक तो भूलने की परेशानी सबसे बड़ी है, है ना, हम सब बच्चों की सबसे बड़ी बच्चों की भूलने की परेशानी, एक तो भूलने का डर है, एक भूलना और एक डर, ये दो चीजों को मार दो, ये दो चीजें खत्म कर दिए ना, कॉन्फिडेंस लेवल का एक अपर लेवल पर आप पहुंच जाओगे। तो बहुत जरूरी है कि आप इन दोनों चीजों के ऊपर बहुत अच्छे से काम करो। कल से आपको फिजिक्स के लेक्चर रेगुलर मिलने वाले, चिंता मत करो, है ना। खुद के ऊपर विश्वास रखो, देखो बेटा खुद के ऊपर नहीं विश्वास रखोगे तो कुछ नहीं कर सकता, यू बिलीव इन योरसेल्फ, खुद के ऊपर विश्वास करो, खुद मेहनत करो और बहुत अच्छे से मेहनत करो, सब सही होगा। आवाज नहीं आ रहा है, एक मिनट रुको, चीजों के ऊपर बहुत अच्छे से काम करो, कल से आपको फिजिक्स के लेक्चर रेगुलर मिलने वाले, चिंता मत करो, ठीक है ना। खुद के ऊपर विश्वास रखो, देखो बेटा खुद के ऊपर नहीं विश्वास रखोगे तो कुछ नहीं कर सकता, यू बिलीव इन योर, तो इतनी चीजें करना है। डाइजेस्ट मतलब ही अपेक्षित, डाइजेस्ट अपेक्षित, है ना, क्वेश्चन बैंक, ये सब एक ही चीजें हैं, ठीक है, तो इनके ऊपर काम करना है। अभी मैं आपके सवाल ले लेता हूं, अगर आप में से किसी बच्चे को कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, तो जो पूछना चाहे मुझसे, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, अभी मैं आपको बेस्ट ऑफ लक बोल रहा हूं, लेकिन आई एम विथ यू, मैं आपके साथ हूं। आप में से किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, स्टूडेंट्स अभी स्टार्ट की, तो सीईटी की तैयारी हम बेटा जो है ट्वेल्थ बोर्ड जैसे ही खत्म होता है, आप जैसे ही फ्री होते हो, मैं दो दिन का ब्रेक दूंगा तुमको, और सीईटी हम अपने चैनल पर शुरू कर देंगे। उस समय ना मुझे टेंथ पढ़ाना होगा, ना कुछ इलेवंथ पढ़ाना होगा, बढ़िया हम सुबह शाम में बढ़िया दो टाइम बोलो या तीन टाइम बोलो या दो तीन घंटे कंटिन्यू बोलो, बिंदास पढ़ाने वाला हूं, चिंता मत करो, है ना। सर मैं टेंशन ही नहीं ले रहा, क्या बोल रहा है ज्ञान मलिक, आपके कमेंट्स ले लेता हूं, चार पांच कमेंट्स लेता हूं, सर मैं तो टेंशन ही नहीं लेता हूं थोड़ा भी पढ़ाई का, बिल्कुल सही है, ओके। तो बेटा रेडरेक्स जो भी बच्चा था, आई एम सॉरी अगर तेरे को बुरा लगा तो, लेकिन बेटा मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं है तेरा मन दुखाने का, ठीक है ना। जब मैं कुछ बता रहा होता उस समय तो देखिए सर मेरे पास ओसवाल के पीवाईक्यूज है, अच्छी बात है, मार्क्स अच्छे भी, क्या बोलना चाहते हो, हिस्ट्री में कॉन्सेप्ट कम होता, रट्टा मारना ज्यादा होता है जी। सर हमारे सर को डाइजेस्ट में जैसे आंसर है वैसे के वैसे चाहिए, क्या करूं। अगर आपके टीचर ऐसा बोल रहे हैं कि जैसे किताब में गाइड में आंसर लिखे या डाइजेस्ट में जैसे लिखे वैसे ही चाहिए, तो गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता, है ना, फिर गलत बात है। आप डरो मत, आप आपकी पढ़ाई करो, ठीक है ना, अच्छे से पढ़ाई करो, उनकी बात मत सुनो, अपने हिसाब से आंसर लिखो। प्लीज मेक वीडियो ऑन हाउ टू कंप्लीट स्कूल होमवर्क, स्कूल होमवर्क कैसे कंप्लीट करना है, इसके लिए होमवर्क वीडियो नहीं आ सकता, क्योंकि स्कूल का होमवर्क तो तुम पिछले 10-12 सालों से कर रहे हो यार, उसमें क्या वीडियो बना के देना, लोग हंसेंगे मेरे को कि पवन से पागल हो गए, ये क्या वीडियो बना के दे रहे, है ना। चलो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अब मैं आपका समय नहीं ले रहा हूं, अब मैं रुक रहा हूं, और टेंथ के जो वीडियोज हैं अब अगले मंडे या संडे से आएंगे। मैं कल से जो है मैं हमारे स्वामीनारायण भगवान का बहुत बड़ा कार्यक्रम है अहमदाबाद में, तो मैं वहां जा रहा हूं,
तो मैं कल सोमनाथ रहूंगा, परसों द्वारका जाऊंगा, कल मैं नीलकंठ धाम जा रहा हूँ, परसों मैं सोमनाथ रहूंगा, फिर द्वारका जाऊंगा, वहां से सारंगपुर जाऊंगा, फिर अहमदाबाद जाऊंगा, और अहमदाबाद से फिर मैं यहाँ आऊंगा। लेकिन बीच बीच में मेरे वीडियोज आते रहेंगे, रोज शाम में मैं कुछ ना कुछ आपको अपडेट्स देते रहूंगा जो कि आपको फायदा देने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको बुरा लगा किसी बच्चे को तो आई एम सो सॉरी, प्लीज बुरा मत मानो और अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे से लगे रहो, क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई जो है, मैं जो तुम्हारी जो भी मैं कर रहा हूँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ, तो तुम लोग एकदम से टेंशन मत। कुछ चाहिएगा अगर आपको कोई चीज की कमी लग रही होगी तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। सर आपके वेकेशन के बाद हम दो टाइम क्लास लेंगे क्या? तुम बोलोगे तो मैं पढ़ाने को तैयार हूँ, सुबह शाम में पढ़ाने को तैयार हूँ। मुद्दा यह है कि तुम सुबह भी रहोगे क्या अवेलेबल? मुझे लगता है